आज के इस अत्यंत आनंद के तथा महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित सभी को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव जी, यहाँ के ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान नितिन गडकरी जी, संसद के मेरे तमाम साथी, महाराष्ट्र के मंत्री और विधायकगण, और यहाँ भारी संख्या में आप पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, लाखों वारकऱ्यांचे आराध्य दैवत असलेले श्री विठ्ठल रुक्मिणी सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर, अक्कलकोटचे श्री स्वामी समर्थ आणि मंगलवेडाचे संत दामाजी पंत यांना मी साष्टांग नमस्कार करतो। हुतात्मा श्री मल्लप्पा धनशेट्टी, कुर्बान हुसेन, जगन्नाथ शिंदे आणि किसन सारडा यांच्या असीम देशभक्तीला मी सलाम करतो। डॉक्टर द्वारकानाथ कोसणीस यांच्या या सोलापूर भूमीत आपण सर्वजण एवढ्या मोठ्या संख्याने मला आशीर्वाद देण्यासाठी जमला आहात, त्याबद्दल आपणास मी अभिवादन करतो। बहनों और भाइयों, हाल के वर्षों में मुझे तीसरी बार सोलापुर आने का अवसर मिला है। जब जब मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं, आपने मुझे भरपूर स्नेह दिया है, आशीर्वाद की बहुत बड़ी ताकत दी है। मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं यहां आया था तो मैंने कहा था कि यहां जो बीएसपी यानी बिजली सड़क और पानी की समस्या है उसको सुलझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मुझे खुशी है कि इस दिशा में अनेक प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो या नेशनल हाईवे हो या फिर सौभाग्य योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम हो, यहां सभी पर तेज गति से काम हो रहा। मैं फडणवीस जी की सरकार को बधाई देता हूं कि वो हर घर को बिजली देने के लिए बहुत गंभीरता से काम कर रही है। भाइयों और बहनों, आज इसी काम को और विस्तार देने के लिए फिर एक बार आपके बीच आया हूं।
थोड़ी देर पहले स्मार्ट सिटी, गरीबों के घर, सड़क और पानी से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सोलापुर उस्मानाबाद वाया तुल्यापुर रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। मां तुलजा भवानी के आशीर्वाद से जल्द ही ये लाइन बनकर के तैयार हो जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ देश भर से माता के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी। इन तमाम परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन योजनाओं पर विस्तार पर बात करने से पहले आज मैं सोलापुर की इस धरती से पूरे देश को भी बधाई देना चाहता हूं। कल देर रात लोकसभा में एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ। आपकी तालियों की आवाज से मुझे लग रहा है कि आप भी कल देर रात तक टीवी देखने के लिए बैठे थे। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर मोहर लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया है। हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिले, अन्याय की भावना खत्म हो, गरीब भले ही वो किसी भी क्षेत्र का हो उसे विकास का पूरा लाभ मिले, अवसरों में प्राथमिकता मिले, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आपके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। भाइयों और बहनों, कितने झूठ फैलाए जाते हैं, कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है। कल के पार्लियामेंट के हमारे एक निर्णय से, और मैं आशा करता हूं जैसे बहुत ही तंदुरुस्त वातावरण में कल लोकसभा में चर्चा हुई, देर रात तक चर्चा हुई और करीब करीब सर्वसहमति से, कुछ लोग रहे जिन्होंने विरोध किया लेकिन उसके बावजूद भी संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय कल लोकसभा ने किया। मैं आशा करता हूं आज राज्यसभा में, विशेष रूप से एक दिन के लिए राज्यसभा का समय बढ़ाया गया है, राज्यसभा में भी हमारे जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं वे भी इन जन भावनाओं का आदर करते हुए समाज की एकता और अखंडता को बल देने के लिए, सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अवश्य सकारात्मक चर्चा भी करेंगे और कल की तरह ही सुखद निर्णय भी तुरंत हो जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे देश में
ऐसा झूठ फैलाया जाता था और कुछ लोग आरक्षण के नाम पर दलितों को जो मिला है उसमें से कुछ निकालना चाहते थे, आदिवासियों को मिला है उसमें से कुछ निकालना चाहते थे, ओबीसी को जो मिला है उसमें से कुछ निकालना चाहते थे और वोट बैंक की माइनॉरिटी की राजनीति करने पर तुले हुए थे। हमने दिखा दिया जो दलितों को मिलता है उसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता है, जो आदिवासियों को मिलता है उसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता है, जो ओबीसी को मिलता है उसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता है। ये अतिरिक्त 10% दे करके हम सबको न्याय देने की दिशा में काम किया है और इसलिए हम इसका ले लेंगे उसका ले लेंगे, ये झूठ फैलाने वालों को कल दिल्ली में पार्लियामेंट ने ऐसा करारा जवाब दिया है, ऐसा उनके मुंह पर चोट मारी है कि अब झूठ फैलाने की उनकी ताकत नहीं बचेगी। भाइयों और बहनों, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण एक बिल भी कल लोकसभा में पास हुआ है। ये बिल भी भारत मां में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लोकसभा में पास होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए मां भारती के बेटे बेटियों को, भारत मां की जय बोलने वालों को, वंदे मातरम बोलने वालों को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वालों को भारत की नागरिकता का रास्ता साफ हो गया है। इतिहास के तमाम उतार चढ़ाव देखने के बाद, तमाम अत्याचार सहने के बाद हमारे ये भाई बहन भारत मां के आंचल में जगह चाहते थे, उन्हें संरक्षण ये देना हर भारतीय का भारत का दायित्व है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार ने किया है। साथियों, आजादी के बाद से दशकों में हर सरकार अपने अपने हिसाब से काम करती रही है, लेकिन जब भाजपा के नेतृत्व में यही कार्य होता है तो जमीन और जनता तक उसका असर पहुंचता है। भाइयों बहनों, कल जब ये कानून पारित हुआ है, संसद में लोकसभा ने अपना काम कर दिया है, मैं आशा करता हूं आज राज्यसभा भी हमारे देश को प्यार करने वाले लोगों के लिए अवश्य आज भी राज्यसभा में इसको पारित करके लाखों लाखों परिवारों की जिंदगी बचाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं विशेष रूप से आसाम के भाइयों बहनों को, नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कल के इस निर्णय से असम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, वहां के युवा हो, उनके अधिकारों को रत्ती भर भी आंच नहीं आने दूंगा, उनके अवसरों में कोई रुकावट पैदा नहीं होने दूंगा, ये मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं।
भाई और बहनों, पहले की तुलना में जो बड़ा अंतर आया है वो नियत का है। सही नियत के साथ आवश्यक नीति के निर्माण का है। टुकड़ों में सोचने के बजाय समग्रता और संपूर्णता के साथ फैसले लेने का है। राष्ट्रहित और जनहित में कड़े और बड़े फैसले लेने का है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का है। सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार की संस्कृति है, हमारे संस्कार है, और यही हमारा सरोकार भी है, हमारी परंपरा भी है। गांव गरीब से लेकर शहरों तक इसी संस्कार के साथ नए भारत की नई व्यवस्थाओं का निर्माण करने का बीड़ा भाजपा सरकार ने उठाया है। जिस स्तर पर और जिस गति से काम हो रहा है उससे सामान्य जीवन को आसान बनाने में भी तेजी आई है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण ले लीजिए। सोलापुर से उस्मानाबाद तक का यह नेशनल हाईवे 4 लेन का हो गया है और आज देश के लिए समर्पित भी हो गया है। करीब 1000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी। साथियों, आजादी के बाद से 2014 तक देश में 90,000 किलोमीटर करीब करीब नेशनल हाईवे थे और आज 4 साल के बाद 1,30,000 किलोमीटर से अधिक के हैं। बीते 4.5 वर्षों में ही करीब 40,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे जोड़े जा चुके हैं। इतना ही नहीं, लगभग 5.5 लाख करोड़ की लागत से करीब 52,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के भी बहुत बड़े साधन है। देश में नेशनल हाईवे का नेटवर्क तैयार करने के लिए जो भारतमाला योजना चल रही है उसके तहत ही रोजगार के अनेक नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। और जब मैं सोलापुर में शिलान्यास के लिए आया था तब भी मैंने कहा था कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। हम दिखावे के लिए काम नहीं करते। पत्थर रख दो, चुनाव निकाल दो, फिर तुम तुम्हारे घर हमारे घर। ये राजनेताओं ने जो संस्कृति बनाई थी इसको हमने पूरी तरह खत्म कर दिया है। और मैं आज भी बताता हूं, ये 30,000 परिवारों के लिए जो घर बन रहे ना, आज शिलान्यास हुआ है, चाबी देने के लिए हम ही आएंगे। सबसे बड़ा पुल हो, सबसे बड़ी सुरंग हो, सबसे बड़े एक्सप्रेस वे हो, सब कुछ इसी सरकार के कार्यकाल में या तो बन चुके हैं या फिर उन पर तेज गति से काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, ये सबसे बड़े और सबसे लंबे हैं सिर्फ इसलिए उसका महत्व है ऐसा नहीं है, बल्कि ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ये वहां बने हैं
जहां स्थितियां मुश्किल थी, जहां काम आसान नहीं था। भाइयों बहनों, ये काम क्यों नहीं होते थे? बातें होती थी, 40-50 साल पहले बातें हुई है, लेकिन वहां एकांत पार्लियामेंट की सीट होती थी, वोट नहीं पड़े थे, तो इनको लगता था कि वहां जाकर के क्या निकालेंगे। इसी के कारण देश का पूर्वी हिस्सा का बहुत जो विकास होना चाहिए था वो अटक गया। अगर पश्चिम भारत का जो विकास हुआ वैसा ही पूर्व भारत का हुआ होता तो आज देश कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन भाइयों बहनों, वहां वोट ज्यादा नहीं है, एकांत दो सीट के लिए क्यों खर्चा करे? ये वोट बैंक की राजनीति ने विकास में भी रोड़े अटकाने का पाप किया था। हमने उसमें से बाहर निकल के वहां वोट हो या ना हो, भाजपा के लिए अवसर हो या ना हो, जनसंख्या कम हो या अधिक हो, देश की भलाई के लिए जो करना चाहिए वो करने में हम कभी रुकते नहीं है। साथियों, यही स्थिति रेलवे और एयरवे को लेकर गए हैं। आज देश में रेलवे पर अभूतपूर्व काम हो रहा है, पहले की अपेक्षा 2 गुना गति से रेल लाइनों का निर्माण और चौड़ीकरण हो रहा है, तेज गति से बिजलीकरण हो रहा है। वहीं आज हवाई यात्रा सिर्फ साधन संपन्न लोगों के लिए ही सीमित नहीं रही है, बल्कि इसको हमने आम नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा का आनंद लेने के लिए उड़ान जैसी महत्वाकांक्षी योजना चल रही है। देश के टियर 2, टियर 3 शहरों में एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र के भी 4 एयरपोर्ट हैं। आने वाले समय में सोलापुर से भी उड़ान की योजना के तहत फ्लाइट उड़े, इसके लिए भी कोशिश की जा रही है। साथियों, जब कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो गांव और शहर दोनों की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में सुधार आता है। हमारे शहर तो आर्थिक गतिविधियों के, रोजगार के बड़े सेंटर है। सोलापुर सहित देश के अनेक शहरों का विकास दशकों की एक निरंतर प्रक्रिया से हुआ है। लेकिन ये भी सच है कि जो विकास हुआ है वो योजनाबद्ध तरीके से होता तो आज हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। लेकिन नहीं हुआ। देश के बहुत ही कम ऐसे शहर है जहां प्लानिंग के साथ एक संपूर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया और परिणाम यह हुआ कि बढ़ती आबादी के साथ शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं हो पाया। सड़कें और गलियां तंग रही, सीवेज की लाइनें लीक होती रही। कोई आवाज उठाता था तो हल्का फुल्का काम करके बात टाल दी जाती थी। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने इन अस्थाई प्रबंधों के बजाय स्थाई समाधान का रास्ता चुना है। इसी सोच के तहत देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का एक मिशन चल रहा है, जिसमें ये हमारा सोलापुर भी है। इन शहरों में रहने वाले लोगों की राय से राज्य सरकार के साथ मिलकर जन भागीदारी की एक व्यापक मुहिम के बाद अपने शहरों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने का बीड़ा हमने उठाया है। हमारे इन प्रयासों की चर्चा अब दुनिया में है। हाल में एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की रिपोर्ट में
ये बताया गया कि आने वाले दशकों में दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाले 10 शहरों में सभी 10 शहर भारत के होंगे। किसी भी भारतीय को एक गर्व की बात है, दुनिया के 10 शहर और 10-10 भारत के, भारत कितना आगे बढ़ेगा इसका इसमें संकेत है। भाइयों और बहनों, ये दुनिया को दिख रहा है, लेकिन देश के कुछ लोग हैं जिनको सिवाय राजनीति के कुछ नहीं समझता। ये वो लोग हैं जिनकी पार्टी के शासन के दौरान हमारे शहरों की हालत बिगड़ती चली गई। आज यही लोग स्मार्ट सिटी मिशन का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। साथियों, ये मिशन देश के इतिहास में शहरीकरण के विकास को नया आयाम देने का प्रयास है। शहर की हर सुविधा को इंटीग्रेटेड करने, एकीकृत करने की एक कोशिश है। शहर के सामान्य जनों के जीवन को परेशानियों से दूर करने का एक ईमानदार प्रयास है। बीते 3 वर्षों में इस मिशन के तहत देश में तकरीबन 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का खाका तैयार हो चुका है। इसमें से भी करीब 1,00,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सोलापुर स्मार्ट सिटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास यहां किया गया है। इसमें पानी और सीवेज से जुड़ी योजनाएं हैं। साथियों, स्मार्ट सिटी के अलावा देश के दूसरे शहरों और कस्बों में अमृत मिशन के तहत मूलभूत सुविधाओं का निर्माण हो रहा है। इसमें भी करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम प्रगति पर है। यहां सोलापुर में भी अमृत योजना के तहत पानी की सप्लाई और सीवेज से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। जब ये कार्य पूरे हो जाएंगे तो शहर के अनेक क्षेत्रों में पानी की लीकेज की समस्या से मुक्ति मिलेगी। वहीं जो उजनी डैम से पीने का पानी का प्रोजेक्ट है, इसके बनने से शहर में पानी की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ शहर के गरीब और बेघर व्यक्ति के लिए भी एक नई सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। देश का जन जन गवा रहा है कि कैसे एक तरफ चमचमाती सोसाइटी बन गई और दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी का विस्तार होता रहा है। हमारे यहां व्यवस्था ऐसी रही कि जो घर बनाते हैं, कारखाने चलाते हैं, उद्योगों को ऊर्जा देते हैं, वो झुग्गियों में रहने को मजबूर हो गए। इस स्थिति को बदलने का प्रयास अटल जी ने शुरू किया। शहरों के गरीबों के लिए घर बनाने का एक अभियान चलाया। इसके तहत साल 2000 में यहां सोलापुर में रहने वाले कामगारों को झुग्गी और गंदगी के जीवन से मुक्ति दिलाने का प्रयास हुआ। करीब करीब 10,000 कामगार परिवारों ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर अटल जी की सरकार को प्रस्ताव भेजा और 5-6 वर्षों के भीतर उनको अच्छे और पक्के घरों की चाबी भी मिल गई। मुझे खुशी है 18 वर्ष पहले जो काम अटल जी ने किया था उसी को विस्तार देने का, आगे बढ़ाने का अवसर फिर एक बार हमारी सरकार को मिला है। आज
गरीब कामगार परिवारों के 30,000 घरों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास यहां हुआ है। इसके जो लाभार्थी हैं वो कारखानों में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, रेडी ठेले पर काम करते हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द आपके हाथों में आपके अपने घर की चाबी होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, ये विश्वास मैं आपको इसलिए दे पा रहा हूं कि बीते 4.5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उसकी रफ्तार ने लाखों गरीब परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है। शहरों में पहले कैसे घर बनते थे और अब कैसे घर बन रहे हैं, पहले सरकार किस गति से काम करती थी, हम किस गति से काम कर रहे हैं, आज थोड़ा मैं इसका भी उदाहरण देना चाहता हूं। साथियों, 2004 से 2014 के 10 साल दिल्ली में रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलती थी। 2004 से 2014 10 सालों में शहरों में रहने वाले गरीब भाई बहनों के लिए सिर्फ 13 लाख घर बनाने का कागज पर फैसला हुआ, कागज पे। और इसमें से 13 लाख यानी कुछ नहीं है इतने बड़े देश में, फिर भी वो निर्णय कागज पे हुआ। काम कितनों का हुआ? इतने बड़े देश में सिर्फ 8 लाख घरों का काम हुआ, 10 साल में 8 लाख, यानी एक साल में 80,000। इतने बड़े देश में एक साल में 80,000, ये मोदी सरकार देखिए, अकेले सोलापुर में 30,000। जबकि भाजपा सरकार के दौरान बीते 4.5 वर्षों में उनके समय 13 लाख कागज पे तय हुआ था, हमने 70,00,070 शहरी गरीबों के घरों को स्वीकृति दी जा चुकी। और अब तक 10 साल में जो नहीं कर पाए, हमने 4 साल में 14 लाख घर बना करके तैयार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जिस तेजी से काम चल रहा है, बहुत ही निकट भविष्य में 37 लाख घरों का काम और पूरा होने वाला है। सोचिए, उनका 10 साल का रिकॉर्ड और हमारे 4.5 साल का रिकॉर्ड, कितना जमीन आसमान का अंतर है। अगर उनकी गति से हम चलते तो आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों का भी घर बनता कि नहीं बनता हम कह नहीं सकते। ये फर्क ही दिखाता है कि उन्हें गरीबों की कितनी चिंता रही होगी, इससे पूरा अंदाज आता है। साथियों, हमारी सरकार शहर के गरीबों की नहीं बल्कि यहां के मध्यम वर्ग की भी चिंता कर रही है। इसके लिए भी पुराने तौर तरीकों में बड़ा बदलाव किया गया है। भाइयों बहनों, निम्न आय वर्ग के लोगों के साथ साथ 18 लाख रुपए सालाना तक कमाने वाले मध्यम वर्ग के परिवारों को हम योजना के तहत लाए हैं। इसके तहत लाभार्थी को 20 वर्ष तक होम लोन पर लगभग 6 लाख रुपए तक की बचत सुनिश्चित की गई है। 6 लाख की यह बचत मध्यम वर्ग का परिवार
अपने बच्चों के लालन पालन और पढ़ाई लिखाई में इस्तेमाल कर सकता है। यही ईज ऑफ लिविंग, यही सबका साथ सबका विकास। भाई और बहनों, यहां पर आए कामगार साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपके घर तो बन ही जाएंगे, इसके अलावा आप सभी के लिए बीमा और पेंशन की बेहतरीन योजनाएं सरकार चला रही है। अटल पेंशन योजना के तहत आप सभी को 1,000 से 5,000 रुपये तक की पेंशन का हक बहुत ही कम अंशदान पर दिया जा रहा है। इस योजना से देश के 1.25 करोड़ से अधिक कामगार जुड़ चुके हैं, जिसमें से 11 लाख कामगार हमारे इस महाराष्ट्र के ही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 90 पैसे प्रतिदिन, 90 पैसे, 1 रुपया भी नहीं, चाय भी आज 1 रुपये में नहीं मिलती है, ये चाय वाले को पता रहता है। 90 पैसे प्रतिदिन और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रति महीना 1 रुपया, यानी एक दिन का सिर्फ 3-4 पैसा, 1 रुपया प्रति महीने के प्रीमियम पर ये बहुत बड़ी दो योजनाएं चल रही है। इन दोनों योजनाओं से 2-2 लाख रुपये का बीमा गरीब के लिए सुनिश्चित हो जाता है। इन योजनाओं से देश में 21 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें 1.25 करोड़ से ज्यादा हमारे महाराष्ट्र के गरीब हैं। इन योजनाओं की वजह से संकट के समय 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ लोगों को मिल चुका है। 2-2 लाख के हिसाब से जिनके परिवार के संकट में, परिवार में संकट आया, उनको पैसे मिले और इतने कम समय में 3,000 करोड़ रुपया इन परिवारों के पास पहुंच चुके, मुसीबत के समय पहुंच चुके। अगर मोदी ने 3,000 करोड़ की बड़ी धमाकेदार घोषणा की होती तो हिंदुस्तान के सभी अखबारों में हेडलाइन होती कि मोदी ने गरीबों के लिए 3,000 करोड़ दे दिया। बिना बोले, बिना हेडलाइन छपे, बिना ढोल पीटे गरीबों के घर में 3,000 करोड़ रुपया पहुंच गया, उसके खाते में पहुंच गया। आज मुश्किलें हल होती हैं, परेशानियों में सरकार काम आती है, तबियत सही विकास होता है और नियत साफ होने का यही तो जीता जागता सबूत होता है। साथियों, आपकी सरकार ये सभी काम कर पा रही है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। आपको मालूम है ये सब कैसे हो रहा है, आप बताएंगे? ये सारा इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, इतनी योजनाएं चला रहे हैं, पहला की तुलना में ये कैसे हो रहा है भाई, क्या कारण है, बता पाएंगे आप? मोदी नहीं, ये इसलिए हो रहा है कि पहले मलाई बिचौलिए खाते थे, आज वो सारा बंद हो गया है। चोरी लूट की दुकानों को ताले लग गए हैं, गरीब के हक का गरीब को मिल रहा है और इसलिए पाई पाई का सदुपयोग हो रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है कि बिचौलिए गए कमीशन खोरों के खिलाफ एक व्यापक सफाई अभियान चलाया है। जब मैं शहर की सफाई की बात करता हूं, गांव की सफाई की बात करता हूं,
तो मैंने सरकार में भी सफाई चलाई है। दिल्ली में सत्ता के गलियारे से लेकर किसानों की मंडी और राशन की दुकानों तक बिचौलियों को हटाने की मुहिम ये चौकीदार ने छेड़ के रखी है और इसी का परिणाम है कि जो सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी राज परंपरा की तरह ये कुर्सी उन्हीं के खाते लिखी गई थी, यही वो समझ बैठे थे, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज भी आज कानून के कटघरे में खड़े दिखते हैं। भाइयों, टैक्स चोरी से लेकर रक्षा सौदों में रिश्वतखोरी के जवाब आज उनको देने पड़ रहे हैं, पसीना छूट रहा है, आपने देखा है आंखें फटी फटी रह जाती है। भाई और बहनों, पहले की सरकार ने बिचौलियों के जिस कल्चर को सिस्टम का हिस्सा बना दिया था, उन्होंने गरीबों का हक तो छीना ही था, देश की सुरक्षा के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। मैं कल अखबारों में देख रहा था कि हेलीकॉप्टर घोटाले के जिस बिचौलियों को सरकार खोज रही है, उन बिचौलियों में से एक को विदेश से उठा करके लाया गया है, अभी जेल में बंद है। उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सिर्फ हेलीकॉप्टर वाली डील में ही शामिल नहीं था, बल्कि पहले की सरकार के समय लड़ाकू विमानों का जो सौदा जा होता था उसमें भी उसकी भूमिका थी। मीडिया वाले कह रहे हैं कि ये मिशेल मामा किसी दूसरी कंपनी के विमानों के लिए लॉबिंग कर रहा था। अब इस सवाल का जवाब मिलना जरूरी है कि कांग्रेस के नेता जो शोर अभी कर रहे हैं उसका मिशेल मामा से क्या कनेक्शन है। ये कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये मिशेल मामा से किसका नाता था बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, क्या बताइए, देश को लूटने देना चाहिए क्या, पाई पाई का हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, चौकीदार ने अपना काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चौकीदार ने जागना चाहिए कि सोना चाहिए, जागना चाहिए कि सोना चाहिए, चौकीदार हिम्मत के साथ आगे बढ़े कि ना बढ़े, चौकीदार को आपके आशीर्वाद है कि नहीं है, आपके आशीर्वाद है इसलिए चौकीदार लड़ रहा है, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ लड़ रहा है। कहीं मिशेल मामा की सौदेबाजी से ही तो उस समय का दिल रुक नहीं गई थी। साथियों, इन तमाम सवालों का जवाब जांच एजेंसियों तो ढूंढ रही है, देश की जनता भी जवाब मांग रही है। बिचौलियों के जो भी हमदर्द है उनको देश की सुरक्षा से किए गए खिलवाड़ का जवाब देना होगा। कमीशन खोरों के सारे दोस्त इकट्ठा होकर चौकीदार को डराने के सपने देख रहे हैं,
लेकिन मोदी है दूसरी मिट्टी का बना हुआ है, न उसे खरीद पाओगे न उसे डरा पाओगे। इस देश के लिए वो पाई पाई का हिसाब लेके रहेगा। लेकिन मुझे पता है उनको बहुत निराशा हाथ लगने वाली, क्योंकि ये चौकीदार न सोता है और कितना ही अंधेरा क्यों न हो वो अंधेरे को पार करके चोरों को पकड़ने की ताकत रखता है। भाई और बहनों, चौकीदार को ये शक्ति, ये चौकीदार की शक्ति का कारण क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, ये चौकीदार की शक्ति का कारण क्या है? वो कौन सी ताकत है? भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद यही चौकीदार की ताकत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो लोग लाख मुझे गाली दे, लगातार झूठ बोले, बार बार झूठ बोले, जहां चाहे वहां झूठ बोले, जोर जोर से झूठ बोले, लेकिन चौकीदार ये सफाई अभियान को बंद नहीं करेगा। न्यू इंडिया के लिए बिचौलिया, इससे मुक्त व्यवस्था का निर्माण होनी चाहिए। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर तमाम विकास परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। पुढील आठवड्यात मकर संक्रांत आहे, मला कल्पना आहे की या काळात सोलापूर मध्ये श्री सिद्ध रामेश्वरांची फार मोठी गड्ड्याची यात्रा भरते। मकर संक्रांत आणि गड्डा यात्रा निमित्त आपण सर्वांना मनःपूर्वक शुभेच्छा। आणि आज वेळ आहे तिळगुळ द्या गोडगोड बोला। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡ ಯಾತ್ರೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಎಲ್ಲು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಸಿಹಿ ಮಾತನಾಡಿ ಬೋಲಾ ಬೋಲಾ ಏಕದಿ ಭಕ್ತಲಿಂಗ, ಬೋಲಾ ಬೋಲಾ ಏಕದಿ ಭಕ್ತಲಿಂಗ, ಹರ್ ಬೋಲಾ ಹರ್, श्री सिद्ध रामेश्वर महाराज की जय। हर बहुत बहुत धन्यवाद।